मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी है। ग्वालियर चंबल संभाग की एक बड़ी बैठक ग्वालियर में आयोजित की गई। इस संभागीय कार्य समिति की बैठक में चुनाव प्रबंध समिति के संयोजक केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रदेश चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर पहुंचे। ग्वालियर चंबल संभाग से 55 पदाधिकारियों को इस बैठक में बुलाया गया। केंद्रीय मंत्री कृषि नरेंद्र सिंह तोमर ने दावा किया है कि मध्य प्रदेश में हम 204 का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं और प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगे। वहीं गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि बैठक बड़ी सार्थक रही, ग्वालियर चंबल अंचल में बीजेपी परचम लहराएगी। भारतीय जनता पार्टी संभागीय बैठकों का क्रम आज पूरा हुआ, पूरे राज्य में बैठकें संपन्न हो गई हैं। राज्य से लेकर बूथ तक कार्यक्रमों की जो रचना है वो बन गई है और आज इस बैठक के माध्यम से सभी नीचे तक ये रचना पहुंच जाए इसकी व्यवस्था कर दी गई है। मैंने पूर्व में भी कहा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरा परिश्रम कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं का परिश्रम और जनता के आशीर्वाद से पहले से अधिक सीटें लेकर भाजपा सरकार बनाई। पार्टी के कार्य को ग्रॉस रूट तक ले जाना, बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता की बैठकों का आज एजेंडा तय हुआ है चुनाव अभियान को लेकर। देखिए कांग्रेस कभी हमसे ज़्यादा वोट लेके नहीं आई आज तक, पिछले 20 साल का आप चुनाव का ट्रैक रिकॉर्ड देख लें। पिछले चुनाव में भी जो दिक्कत आई थी वो विषय यहाँ के अलग थे, लोगों को गुमराह किया 2 लाख के कर्जे के नाम पर, 2 अप्रैल की घटना थी और महाराजा सिंधिया जी थे, अब ये तीनों ही नहीं है उनके पास में, इसलिए उनकी हार यहाँ सुनिश्चित है।